मूवी की शुरुआत में हम एयरफोर्स ऑफिसर सिंक्लेयर को देखते हैं, जो एक विमान में बैठकर किसी मिशन के लिए जा रही होती है और उसके बगल में एक दूसरे विमान में जॉन नाम का ऑफिसर बैठा होता है। फिर दुश्मनों के द्वारा कुछ मिसाइलें छोड़ी जाती है, जिसमें से एक मिसाइल सिंक्लेयर के विमान पर लग जाती है। उस विमान के तबाह होने से पहले सिंक्लेयर पैराशूट पहनकर उस विमान से कूद जाती है और साथ में जॉन भी पैराशूट पहनकर अपने विमान से कूद जाता है। एंड वो लोग एक पहाड़ी रेगिस्तान में जाकर उतरते हैं एंड उन दोनों को वहां पर उतरता हुआ कुछ अफगानी टेररिस्ट देख लेते हैं। फिर जॉन सिंक्लेयर के पास में जाकर उसका हेलमेट उतारने लगता है, तभी वो अफगानी टेररिस्ट आ जाते हैं और वो जॉन के ऊपर हमला कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सिंक्लेयर भी मरी हुई है। फिर एक अफगानी सिंक्लेयर के पास में भी आता है, लेकिन सिंक्लेयर तो जिंदा होती है। फिर सिंक्लेयर उसी की बंदूक छीनकर उसके ऊपर फायर कर देती है एंड फिर यहां से सिंक्लेयर और उन अफगानियों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। सिंक्लेयर को मारने के लिए और भी कई सारे अफगानी टेररिस्ट आ जाते हैं। सिंक्लेयर अपनी जान बचाते बचाते एक गाड़ी के पीछे छुप जाती है, तभी सिंक्लेयर को उसके सामने एक बंकर दिखाई देता है। वो बंकर तो बंद होता है, लेकिन एक अफगानी के फायरिंग से उस बंकर का ताला टूट जाता है। फिर बिना सोचे समझे सिंक्लेयर अपनी जान बचाते हुए उसी बंकर के अंदर चली जाती है। वो अफगानी भी सिंक्लेयर को पकड़ने के लिए उसी बंकर में चले जाते हैं। सिंक्लेयर को उस बंकर के अंदर एक सीढ़ी दिखाई देती है, जो बंकर के बेसमेंट में जा रही होती है। फिर अफगानियों को उस बंकर के अंदर आता हुआ देख सिंक्लेयर बिना सोचे समझे उस सीढ़ी के थ्रू बेसमेंट में चली जाती है एंड वो अफगानी भी सिंक्लेयर को फॉलो करते करते उसी बेसमेंट में चले जाते हैं। सिंक्लेयर वहां पर देखती है कि बंकर के बेसमेंट में बहुत सारे कंटेनर है एंड उस कंटेनर के अंदर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं। थोड़ी देर बाद में सिंक्लेयर और अफगानियों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है एंड एक गोली उस कंटेनर में लग जाती है, जिसके बाद में वो कंटेनर टूट जाता है और अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। वो मॉन्स्टर वहां पर एक अफगानी को बुरी तरह मार देता है, जिसके बाद में बाकी के लोग वहां से भागने लगते हैं। सिंक्लेयर को वहां पर दोनों लोगों से बचना था, अफगानियों से भी और उस मॉन्स्टर से भी। फिर सिंक्लेयर उस मॉन्स्टर और उन अफगानियों से बचते हुए जैसे तैसे करके उस बंकर से बाहर आती है। फिर जैसे सिंक्लेयर बाहर आती है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि अंदर वो फाइट करते करते थक चुकी होती है। फिर सिंक्लेयर की टक्कर एक आर्मी जीप से हो जाती है, जिस जीप के अंदर काफी सारे आर्मी ऑफिसर बैठे होते हैं एंड ये आर्मी ऑफिसर सिंक्लेयर को ही ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो लोग सिंक्लेयर को अपनी जीप में बैठाकर आर्मी कैंप ले जाते हैं। फिर सिंक्लेयर वहां पर आर्मी ऑफिसर के मेजर से सारी बातें बंकर वाली बताती है, लेकिन वो मेजर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता एंड वो मेजर सिंक्लेयर को बोलता है कि जब तक एयरफोर्स आर्मी तुम्हें लेने नहीं आ जाती, तुम हमारी मेहमान हो। तभी उस मेजर को पता चलता है कि कुछ आर्मी ऑफिसर ने एक अफगानी को पकड़ लिया है। फिर सिंक्लेयर वहां से गुस्से में बाहर आती है और एक लफाइट नाम के फीमेल ऑफिसर से लड़ने लगती है, क्योंकि उस लेडी ऑफिसर ने सिंक्लेयर का एक लॉकेट ले लिया था। फिर एक सार्जेंट नाम का मेल ऑफिसर आता है, जो लफाइट को बोलता है कि वो सिंक्लेयर का लॉकेट वापस कर दे। फिर उसके कहने पर लफाइट वो लॉकेट सिंक्लेयर को दे देती है। फिर सार्जेंट सिंक्लेयर को वहां के सभी ऑफिसर्स के बारे में बारी बारी बताता है। सार्जेंट सिंक्लेयर को वहीं पर एक आर्मी डॉक्टर के पास में ले जाता है, क्योंकि सिंक्लेयर के पेट में चोट लगी होती है। फिर वो डॉक्टर सिंक्लेयर को पट्टी वगैरह करता है एंड तभी सार्जेंट बोलता है कि मैं अपने ऑपरेशन एरिया को अच्छे से जानता हूं, लेकिन हमने आज तक इस बंकर के बारे में ना तो कभी सुना और ना ही कभी देखा, यहां तक कि हमने सैटेलाइट इमेज में भी इस बंकर को नहीं देखा। तभी सिंक्लेयर उसको बोलती है कि ये वहां पर है और उसके दरवाजे को जंजीर से बांधा गया था और उसके दरवाजे पर कुछ शब्द लिखे होते हैं। फिर सिंक्लेयर एक स्लेट लेकर वही शब्द उसके ऊपर लिखती है, लेकिन वहां पर जितने भी आर्मी ऑफिसर होते हैं उनको उस शब्द के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी वहां पर अफगान कैदी बैठा होता है एंड वो बोलता है कि ये एक रूसी शब्द है और इसका मतलब है कि इसको मत खोलना। फिर वो लोग आपस में बातें करके उस बंकर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं एंड यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस बंकर के अंदर जो कंटेनर होते हैं वो ऑटोमेटिक टूट जाते हैं और उसके अंदर के मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंक्लेयर उस अफगानी कैदी से उसका नाम पूछती है एंड उसको बोलती है कि तुमने मेरे एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया, जिसका जवाब देते हुए वो अफगानी कैदी बोलता है कि मेरा नाम कबीर है और मैंने तुम्हारे एयरक्राफ्ट को निशाना नहीं बनाया, मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। एंड साथ में वो ये भी बोलता है कि मैं हिंसक इंसान नहीं हूँ और मैं उनका साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि अगर जो भी उनका साथ नहीं देता तो वो उनका दुश्मन बन जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर पहरा दे रहे सैनिक देखते हैं कि उनकी तरफ कुछ मॉन्स्टर आ रहे होते हैं एंड उसके बाद में सभी आर्मी ऑफिसर अलर्ट हो जाते हैं। फिर वो लोग मॉन्स्टर के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। मॉन्स्टर की आवाज सुनकर मेजर सार्जेंट से पूछता है कि बाहर क्या हो रहा है, जिसके जवाब में सार्जेंट उसको बताता है कि हम पर हमला हुआ है और ये हमला किसी इंसान ने नहीं बल्कि मॉन्स्टरों ने किया है। उसके बाद में मेजर उसको बोलता है कि हथियारों की पूरी छूट है, जो भी मॉन्स्टर हम पर हमला करे उसको मार दो। फिर फाइनली एक मॉन्स्टर एक ऑफिसर
को बुरी तरह मार देता है। फिर एक मॉन्स्टर सिंक्लेयर के पास में भी आ जाता है। सिंक्लेयर के साथ में वो अफगानी कैदी कबीर मौजूद होता है। वो मॉन्स्टर वहां पर सिंक्लेयर को मारने लगता है, तभी कबीर उसको पीछे से मारता है और इतनी बुरी तरीके से फिर मारते जाता है कि उसकी जान ले लेता है। एंड उसके बाद में कबीर सिंक्लेयर को एक गन देता है एंड उसके बाद वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। फिर बाहर हमें देखने को मिलता है कि सभी आर्मी ऑफिसर उन मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। एंड तभी एक मॉन्स्टर मेजर के पास में पहुंच जाता है। फिर वो मॉन्स्टर मेजर को वहां पर मारने लगता है। तभी कुछ आर्मी ऑफिसर पीछे से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं एंड उसके बाद में मेजर एक डंडा लेकर उस मॉन्स्टर को पीट पीट कर मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंक्लेयर और बाकी के आर्मी ऑफिसर मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते एक बड़े से डिब्बे में चले जाते हैं और उसका मेन गेट बंद कर लेते हैं। फिर वो लोग उस डिब्बे के अंदर सुबह होने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर अगले दिन मॉर्निंग में वो लोग उस कंटेनर का गेट खोल कर देखते हैं तो सब चीज नॉर्मल हो चुका होता है। मॉन्स्टर वहां से जा चुके होते हैं। फिर वो लोग वहां से मेजर के पास में जाते हैं तो मेजर ने जिस मॉन्स्टर को मारा हुआ था उस मॉन्स्टर का पेट फाड़ कर आर्मी डॉक्टर देखता है तो उसके अंदर इंसानों के ऑर्गन्स निकलते हैं। एंड ये चीज देख कर वो सभी लोग वहां पर शॉक्ड हो जाते हैं। एंड उसके बाद में वो मॉन्स्टर वहां पर जाग जाता है और सिंक्लेयर को मारने लगता है। एंड उसके बाद में मेजर उस मॉन्स्टर को पकड़ कर नीचे गिरा देता है और एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है जिसमें उसकी और मॉन्स्टर की जान चली जाती है। मरते मरते वो मेजर टीम लीडर सार्जेंट को बना जाता है। सार्जेंट उस अफगानी कैदी का हाथ खोल देता है एंड उसके बाद में वो अफगानी कैदी जिसका नाम कबीर होता है वो इनकी टीम में शामिल हो जाता है। फिर इन लोगों की 5 लोगों की टीम बनती है एंड ये 5 निकल पड़ते हैं उस बंकर में उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। फिर बंकर के अंदर जाने के बाद में सिंक्लेयर की जेब में से उसका लॉकेट गिर जाता है और ये चीज सार्जेंट देख लेता है। फिर सार्जेंट उस लॉकेट को उठाकर सिंक्लेयर को देने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी एक मॉन्स्टर उसको पकड़कर बेसमेंट में ले जाता है। फिर सिंक्लेयर को और बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि सार्जेंट मर गया एंड उसके बाद में वो लोग बंकर से बाहर आ जाते हैं और गेट बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सिंक्लेयर के पास में वायरलेस पर सार्जेंट का कॉल आता है जिसमें वो बोलता है कि अब ये मिशन तुम्हें पूरा करना है, इस बंकर को पूरी तरह बॉम्ब से उड़ा दो। लेकिन सिंक्लेयर ऐसा करने से मना करती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए बंकर के अंदर आ रही हूं। फिर वो सभी लोग एक बड़े से कंटेनर में बैठ जाते हैं और उस कंटेनर में रस्सी बांध देते हैं और रस्सी का दूसरा छोर बाहर खड़ी जीप में बांध देते हैं। एंड उस जीप के अंदर वो लोग एक आर्मी ऑफिसर को बैठा देते हैं ताकि जब वो लोग सार्जेंट को पकड़कर उस कंटेनर में लाए तो वो आर्मी ऑफिसर जीप और रस्सी की मदद से उस कंटेनर को खींच सके, क्योंकि बेसमेंट से उस सीढ़ियों के द्वारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं था। एंड फिर वो लोग उस कंटेनर की मदद से बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में जाने के बाद में वो सभी लोग अलग अलग दिशा में सार्जेंट को ढूंढने लगते हैं। तभी उस जीप में बैठे ऑफिसर के पास में हेड ऑफिस से वायरलेस पर एक मैसेज आता है जिसमें वो लोग ये बता रहे होते हैं कि 20 मिनट के अंदर अंदर उस बंकर को खाली कर दिया जाए क्योंकि वो लोग 20 मिनट के बाद में उस बंकर को ब्लास्ट कर देंगे। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि वो सभी मॉन्स्टर अपना अपना कंटेनर तोड़कर बाहर आ जाते हैं एंड फिर वहां पर सभी आर्मी ऑफिसर और उन मॉन्स्टरों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी वो जीप में बैठा आर्मी ऑफिसर देखता है कि उसके पास में काफी सारे अफगानी टेररिस्ट आ जाते हैं और उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर वो आर्मी ऑफिसर भी अपनी जान बचाते हुए उन टेररिस्ट के ऊपर फायरिंग करने लगता है। फायरिंग करते करते वो आर्मी ऑफिसर उस जीप से उतर जाता है और ढलान होने के कारण वो जीप ऑटोमेटिक उस बंकर में जाने लगती है। दूसरी तरफ हम बंकर में देखते हैं कि लफायट और एक आर्मी ऑफिसर की वो मॉन्स्टर जान ले लेते हैं। फाइनली सिंक्लेयर को सार्जेंट मिल जाता है और वो उसको लेकर कंटेनर में आ जाती है। तभी उनके पास में कबीर भी आ जाता है। फिर वो लोग उस जीप में बैठे ऑफिसर को बोलते हैं कि वो कंटेनर को ऊपर खींचे, लेकिन वो ऑफिसर उन आतंकवादियों से बाहर लड़ रहा होता है। तभी वो जीप ढलान होने के कारण उस बंकर में चली जाती है और बंकर में जाने के बाद में बेसमेंट में गिर जाती है। वो जीप बेसमेंट में सीधा उसी कंटेनर के अंदर आकर गिरती है। उस कंटेनर को चारों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर रखा होता है। जीप के उस कंटेनर के ऊपर गिरने से पहले ही कबीर सार्जेंट और सिंक्लेयर को वहां से बाहर जाने को बोलता है। फिर सिंक्लेयर और सार्जेंट ना चाहते हुए भी उस कंटेनर से बाहर आते हैं एंड वो जीप उस कंटेनर के ऊपर गिर जाती है जिसमें उन मॉन्स्टर के साथ साथ कबीर भी मारा जाता है। बंकर के बाहर में देखने को मिलता है कि उस ऑफिसर को वो अफगानी टेररिस्ट पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन काटने जा रहे होते हैं। तभी सिंक्लेयर और सार्जेंट बाहर आ जाते हैं और वो वहां पर सभी टेररिस्ट को मार देते हैं एंड फाइनली वो लोग उस ऑफिसर को बचा लेते हैं एंड एक जीप में बैठकर वहां से चले जाते हैं। तभी एक बड़ा सा प्लेन आता है और वो उस बंकर के ऊपर एक मिसाइल छोड़ता है जिसके बाद में उस बंकर के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो धमाका इतना ज्यादा बड़ा होता है कि पूरा बंकर तबाह हो जाता है। फिर सिंक्लेयर और सार्जेंट और वो ऑफिसर उसी जीप में बैठकर वहां से चले जाते हैं एंड ये मूवी यहां पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।